नमस्ते किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि रस चूसक कीटों का नियंत्रण कठिन होता है और इसके लिए बार बार हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिस पर खर्चा भी बहुत आ जाता है। तो आज हम एक सस्ता उपाय इस पर अपनाएंगे। हम एक साबुन का घोल तैयार करके इस पे स्प्रे करके देखेंगे। और मैंने यह देख लिया है, तभी यह वीडियो बनाया है, कि यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है माहू के नियंत्रण के लिए। इसका प्रयोग अन्य रस चूसक कीटों जैसे थ्रिप्स और माइट्स के लिए भी किया जा सकता है। मिर्ची की माइट्स का भी नियंत्रण इस पे संभव है, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो तब तक अपन देखें कि एक साबुन का घोल बना के, ये आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि स्प्रे कर रहा हूँ, बैंगन का पौधा है तो फूलों और पत्तियों पे क्या नुकसान होता है। ये वीडियो है स्प्रे करने के 3 दिन बाद का, और आप देखेंगे कि कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है पत्तियों को, फूलों को, पर कीटों का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो गया। आप इसको 80% के ऊपर मान सकते हैं। जहाँ भी साबुन का घोल पड़ा है वहाँ के कीड़े मरकर काले पड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। पर जहाँ नहीं पड़ा है वहाँ के कीड़े अभी भी बचे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इमामेक्टिन का स्प्रे किया, उसका भी कोई ढंग से रिजल्ट नहीं आया था इस कीड़े पर साबुन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देखिए आप, ये कीड़े मर के सब काले पड़े हुए हैं ना। फूलों पे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, फूल जिंदा हैं, उनकी पंखुड़ियाँ मुरझाई नहीं है। ये देखिए, तो साबुन के घोल से यह कीट बहुत अच्छे से नियंत्रित हुआ है। अपने को दोबारा स्प्रे करना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास नुकसान होगा नहीं। 3-4 दिन में अपन इसको रिपीट कर देंगे। तो आइए अब जानते हैं कि साबुन का ये स्प्रे कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल सोप की ज़रूरत होगी। न्यूट्रल सोप मतलब जिसका पीएच बैलेंस किया हुआ हो। इसमें दूसरी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे साबुन को का गाढ़ा करने के लिए जो चीज़ें मिलाते हैं। फिर इसमें कई बार नमक और यूरिया भी मिलाते हैं ताकि ये गाढ़ा बना रहे। सेंट मिलाते हैं तरह तरह के, और इसकी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे लेयर्स मिलाते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। ये जो साबुन आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साबुन का बेस है, न्यूट्रल बेस है। आप इसकी जगह ईजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में डिश वॉश लिक्विड है उसका इस्तेमाल टेम्प्ररी करके आप देख सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक आप छोटा सा स्प्रे करके देखें पहले कि उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो अपन 1 से 1.5 लीटर पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच साबुन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 चम्मच पूरी भरी, और उसको 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी में आप मिक्स कर लीजिए। पहले झाग बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें, इस साबुन में झाग बनाने वाला कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया गया है। तो ये 1 चम्मच गया। अब देखिए बहुत ज़्यादा झाग नहीं बन रहे हैं इस पे। अब इसके बाद अपन इसमें आधा चम्मच और डालेंगे। देखिए ऐसे देख के पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मिक्स किया गया है, कोई रंग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा झाग नहीं है। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर खारा पानी है तो ये घोल हल्का सा दूधिया हो जाएगा कैल्शियम के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम इस साबुन से रिएक्ट करके। बेसिकली इसको साबुन कहना भी ठीक नहीं है, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये आपका घोल तैयार है। अब आप इसको स्प्रेयर में भर के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए जहाँ भी कीट दिखे आपको। इस घोल का परीक्षण जामुन की पत्ती की इस थ्रिप्स पर किया जा सकता है। ये हमारे किसान भाई ने भेजी है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक काली वाली थ्रिप्स आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। इस पे साबुन का घोल स्प्रे करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, प्याज की जो थ्रिप्स है इस पे इसका प्रयोग करना अभी बचा हुआ है। प्याज की थ्रिप्स पे इसका प्रयोग करके देखना है, मकड़ी पे इसका प्रयोग करके देखना है। मिर्ची में मकड़ी एक बड़ी समस्या है, प्रयोग करके देखना पड़ेगा। ध्यान रखने की बात यह है कि हर साबुन काम नहीं आएगा, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए पहले थोड़े से हिस्से में ही प्रयोग करके देखें। एक न्यूट्रल सोप बहुत ज़रूरी है, और उसमें ज़्यादा चीज़ें ना मिली हुई हों ये भी ज़रूरी है। कोशिश करते हैं। धन्यवाद।